तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक बहुत ही स्पेशल कंटेंट लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये सॉफ्टवेयर अपने पूरे इंडिया का एक लार्जेस्ट फोटो कोलाज सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी टाइप के कोलाज को एक सिंगल क्लिक से बना सकते हैं। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितनी मर्जी फोटो रखी हो या फिर आपके कस्टमर ने आपको जितनी मर्जी फोटो दी है, आपको एक सिंगल क्लिक करना है बस, और आपका जो कोलाज है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअल कोलाज बनाना पसंद करते हैं तो आपको मैनुअल कोलाज बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप एक बेस्ट कोलाज तैयार कर पाएंगे, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कोलाज आप बना पाएंगे। अपने इंडियन मार्केट में ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर अपने इंडिया का जो कि सारे फीचर्स के साथ आया है। ये आपकी पूरी मदद करेगा आपके कोलाज को डिजाइन को रेडी करने के लिए। अगर आपको फोटोशॉप की नॉलेज ज्यादा नहीं है फिर भी आप इस सॉफ्टवेयर को चला पाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका फुल्ली ऑटोमेटिक है। आपको सिर्फ एक क्लिक ही करना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम कैसे करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे आपको इसमें डिजाइन बनाने या फिर डिजाइन को मॉडिफिकेशन करना है, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर आपका भी सब्जेक्ट कोलाज से रिलेटेड है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हुए हैं। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल सही टाइम तक पहुंच जाएगी और आप भी काफी सारे बेनिफिट मेरे चैनल से ले सकते हैं। तो गाइस हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर को आपको बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए दो तरीके होंगे, वो दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो बहुत ही छोटा प्राइस रखा हुआ है। अपने इंडिया की मार्केट को देखते हुए इसका जो प्राइस डिसाइड किया गया है हम लोगों ने, वो बहुत ही छोटा प्राइस रखा हुआ है, जिससे कि आप बहुत इजीली सॉफ्टवेयर को बाय कर पाएंगे। और सेकंड नंबर में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, और थर्ड नंबर में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के साथ आपको वर्क कैसे करना है। तो आप वीडियो के साथ बने रहे और सीधा अभी हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटीरोय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सेंटीरोय। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर को आपको बाय कैसे करना है। बाय करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो बहुत ही इजी है। आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा जो कि व्हाट्सएप का नंबर होगा। आप उस व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट करके सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन था, और दूसरा ऑप्शन इससे भी ज्यादा आसान है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं बगैर मेरे से कॉन्टैक्ट किए हुए। कई बार ऐसा होता है कि मैं काफी ज्यादा अपने पर्सनल काम में बिजी होता हूं तो आपको मैं रिप्लाई सही टाइम पे नहीं कर पाता हूं। तो डायरेक्टली अगर आप बाय करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू तो आप कर सकते हैं। वो कैसे करना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल यहां से ध्यान से देखेंगे आप। मैंने यहाँ पे एक वीडियो ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे ही चैनल का वीडियो है, सब्लिमेशन का सॉफ्टवेयर है, मगेस प्रिंट प्लगइन, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको कैसे बाय करना है, कैसे परचेज करना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो मान लेते कि आप जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो ये सेम वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एग्जांपल आप सेम वीडियो देख रहे हो। उसके बाद वीडियो में थोड़ा सा नीचे जाओगे आप। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन एरिया होता है, आपको पता ही है ये आपका डिस्क्रिप्शन एरिया है। यहाँ पे मोर लिखा हुआ आता है, इस मोर पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके पास क्लिक करके रखा हुआ है ऑलरेडी तो आपको डिस्क्रिप्शन एरिया पूरा खुल के दिखाई देगा। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेरे ग्रुप्स दिखाई देंगे। आप यहाँ पे मेरे साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम के ग्रुप में या फिर फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड लिंक। ये जो मैंने मार्क किया है सिलेक्शन के, ये डाउनलोड लिंक है, और यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखाई देगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो लिंक मैं अभी मार्क कर रहा हूँ इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे एक नया पेज खुलेगा। तो वो नया पेज आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा खुलेगा। हो सकता है बीच में यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट दूसरी आ रही हो आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ से आपको मूव डाउन करना है अपना पेज। मूव डाउन जैसे करेंगे आप तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा न्यू फोटो कोलाज मेकर 7.0। तो यही आपका पोस्ट है, आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का जो बैनर है वो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर को सैंपल्स दिख जाएंगे। उसका मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है ब्लू कलर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो नीचे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एरिया दिख जाएगा या तो फिर उसके सैंपल दिख जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे करते जाएंगे तो आपको कुछ सैंपल और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे करते जा रहा हूँ, और हर जगह पे आपको जैसे नीचे करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़े नीचे में आपको बटन दिखाई देते रहेगा। तो ये जहाँ पे भी बटन आपको दिख रहा है, किसी भी बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ से नीचे करते जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास बटन दिया हुआ है ब्लू कलर का जो डाउनलोड लिखा हुआ है। यहाँ से आप नीचे जाओगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बटन यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। थोड़ा सा नीचे और करते हैं तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर के फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के सेटअप के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, कि उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे दी हुई है। सिस्टम रिक्वायरमेंट आप जरूर पढ़ें, ये मेरा कहना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का प्राइस होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप
इंडिया में ही आप सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। अगर आप सिंगल यूजर लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1200 रुपए करने पड़ेंगे। अगर आप दो यूजर लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2200 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप तीन यूजर लेना चाहते हैं तो तीन यूजर के लिए सिर्फ आपको 3100 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितना आपको, अगर आपको एक यूजर चाहिए नॉर्मली तो आपको सिर्फ 1200 रुपए ही पे करने हैं। अगर आप इंडिया के बाहर से यूजर हैं, जो भी काफी सारे मेरे यूजर्स होते हैं जो कि इंडिया के बाहर से होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पेमेंट का अलग है। वन यूजर जो है उनका $68 का है, सेकंड यूजर जो है उनका $110 का है। तो आप ये देख लेंगे बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो नीले कलर का जो बटन है, किसी भी नीले कलर के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहीं पर ही क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे एक नए पेज पे। यहाँ पर ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, मेरी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ सेंटी रॉय प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो जो मेरी कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, तो इसलिए बेफिक्र रहे आप। चीटिंग का यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं होता है, सारा काम बिल्कुल लीगल होता है, जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह के साथ होता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, यहाँ पे चीटिंग का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है कंपनी के साथ। अगर आप मेरे बारे में सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे सिर्फ सेंटीरो टाइप करेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री आ जाएगी, मेरी कंपनी की डिटेल भी आ जाएगी सारी की सारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैनर दिखाई दे रहा है, बैनर के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर का प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मेंशन है 1200 रुपए। अगर आपको दो यूजर चाहिए तो आप यहाँ पे दो यूजर का प्राइस डाल देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग एक यूजर ही रखते हैं, तो यहाँ से आप नीचे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट में भी सेम ही था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। सिंगल यूजर चाहिए आपको तो यहाँ पे आप 1200 रुपए टाइप करोगे। 1200 रुपए टाइप कर दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बटन। ठीक है, ये देख सकते हैं बाय नाउ जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे एक नए पेज पे। यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम भरना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भरना है और यहाँ पे फोन नंबर भरना है। तो ये चारों चीजें आपको बिल्कुल सही भरनी होगी। अगर बाय चांस आप गलत कर भी देते हैं पेमेंट करने के बाद, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिया वहाँ पे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी कोई सा भी नाम डाल देता हूँ, फेक नाम डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर और आपका जो नाम है वो सही डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना सब कुछ डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने भर दिया, नाम डाल दिया, ठीक है, सर नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू एंड पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप आएगा आपके सामने। यहाँ पर ये आपके सामने पॉपअप आ गया, इस पॉपअप में आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेमेंट के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई भी भीम यूपीआई ऐप जिसको आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वाला बटन यूज करना होगा। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। अगर आप किसी वॉलेट से करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसी को यूज करेंगे क्योंकि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा यूपीआई के थ्रू पेमेंट होती है, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट होती है, तो इसलिए हम लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग चलेगी और आपके सामने यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्यूआर कोड आ गया। अब आप अपने किसी भी यूपीआई ऐप से इस वाले कोड को स्कैन करेंगे और पे करेंगे। जैसे आप पेमेंट डन करते हैं उसके बाद आपको एक थैंक यू मैसेज आएगा और आपके मेल पे हाथों हाथ ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि आपको अपना मेल एड्रेस बिल्कुल सही डालना होगा, अपना नाम और मोबाइल नंबर आपको सही डालना होगा। जैसे पेमेंट डन होती है हाथों हाथ सॉफ्टवेयर आपके मेल पे आ जाएगा, आपको जस्ट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मुझे बताना है, मैं आपको इंस्टॉल करवा के रेडी भी करवा दूंगा। अगर मान लेते कि आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको याद आ रहा है कि आपने नाम गलत कर दिया या फिर ईमेल एड्रेस गलत कर दिया या फिर आपका उस लिंक नहीं पहुंचा किसी भी हाल में या फिर आपका पेमेंट करने के बाद कंप्यूटर ऑफ हो गया किसी कारण से, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका एक बटन दिया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार। इस जगह में देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था तरीका हम लोगों का सॉफ्टवेयर को बाय कैसे करना है, बहुत इजी था। दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर आप चाहते हैं मेरे से बात करके लेना तो आपको व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह मिल जाएगा। अगर मैं बिजी हूँ या फिर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं मेरे से बगैर कॉन्टेक्ट किए हुए, तो आप इस मेथड के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हैं। ये मेरा पोर्टल है, यहाँ पे अगर मेरे पोर्टल में बाय करने के बाद अगर आप मेरे लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर मेरे नाम पे क्लिक करते हैं तो मेरा पूरा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे सॉफ्टवेयर मैंने मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं, तो सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से क्लिक करके सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो गाइस आप लोग सीख गए हैं कि कैसे आपको बाय करना है और डाउनलोड करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर कि सॉफ्टवेयर को कैसे आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे जितनी भी फाइलें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी फाइलें इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी फाइलें अपने सॉफ्टवेयर की है। सबसे लास्ट में आपको एक विंडार दिखाई दे रहा होगा, यही विंडार हम लोग का सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फोटो कोलाज मेकर 7.0। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी लिंक
दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी फाइलें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये डाटा है इसका। इसके अंदर आपकी पीएचडी फाइल होगी। इन फ्यूचर आपको बहुत सारी पीएचडी मिलती रहेगी और इसमें भी आपको काफी सारी पीएचडी मिल रही है सॉफ्टवेयर के साथ। तो आपको पीएचडी के लिए यानी डिजाइन के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत डिजाइन है इसके अंदर, अनलिमिटेड डिजाइन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए, आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, अगर आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं या तो फिर आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू बाय करते हैं, वैसे तो इंस्टॉलेशन आपका मैं ही करा के दूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर होता कैसे है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है ये आप देख सकते हैं, जो ये वाला मैंने आपको बताया था कि सेटअप फाइल है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे विनरार से। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है और यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर आ गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर आ गया। फोल्डर के अंदर चलते तो यहाँ पे आपको एक सेटअप दिखाई देगा, ये देख सकते हैं ये सेटअप का आइकन है, आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देने वाला, ठीक है। इस पे लिखा भी हुआ है फोटो कोलाज मेकर 7.0। तो अब हम लोग चलते हैं इसको इंस्टॉलेशन पे, आपको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपसे सिक्योरिटी के लिए यस नो मांग सकते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैसेज में लिखा हुआ सॉरी दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन विदाउट अ लाइसेंस की। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज कॉन्टेक्ट बाय व्हाट्सएप ओनली और यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है 7209195100 मिस्टर सेंटी रॉय, जो की सेंटी रॉय मैं हूँ और मेरे चैनल का नाम भी सेंटी रॉय है। तो ये मैसेज आपके पास आता है, तो ये मैसेज की फोटो खींच के आपको मुझे भेज देना है और मैं आपको फिर उसकी की प्रोवाइड करूंगा, या तो फिर बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप मेरे को रिमोट आईडी शेयर करेंगे एनएडिस का और मैं इसको अपने तरीके से इंस्टॉल करवा के रेडी करा के मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की फाइल को पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हार्डवेयर आईडी भी आ रहा है, आपकी जो मशीन का आईडी है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये आपके कंप्यूटर का आईडी है, इसी आईडी के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी की फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी की फाइल को कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट कलर की फाइल आपको दिखाई दे रही होगी, यही आपकी की फाइल है, ये आपके पास होनी चाहिए। जब तक ये की फाइल आपके पास है तब तक आपका सॉफ्टवेयर वैलिड रहेगा, आप इसको हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब भी मैं आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराऊंगा तो ये की मैं कॉपी पेस्ट करूंगा आपके कंप्यूटर में, तो ये इस वाली की को आपको संभाल के रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे की डाल दी है, अब मैं सेटअप को डबल क्लिक करता हूँ तो वो जो एरर आया था, एरर नहीं मतलब जो मैसेज आया था, वो मैसेज अब भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दिस एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड टू डेमो। मैंने यहाँ पे जो रजिस्टर किया है डेमो के नाम से किया है, इसलिए यहाँ पे डेमो का नाम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास आएगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट, फिर से करते हैं आई एग्री, यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट मैंने। फिर यहाँ पे मुझे कंपनी का कोड डालना है, जो कि मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन कोड होता है, तो यहाँ पे हम लोग की कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है जो कि सीक्रेट रहता है सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए, तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो रहा है, ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, फिनिश कर दिया मैंने। अब फिनिश करने के बाद चलते हैं वापस से, इसका डाटा बचा है। डाटा के लिए यहाँ पे जो ये वाली फाइल है येलो कलर की फाइल आपको दिखाई दे रही है, यही आपकी डाटा की फाइल है, जस्ट इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने पे दो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको साफ और क्लीन बता देता हूँ, आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर आपको डी ड्राइव में कम से कम 20 GB की खाली जगह चाहिए, ठीक है। डी ड्राइव होना बहुत जरूरी है और 20 GB की खाली जगह होनी जरूरी है। और ये सॉफ्टवेयर आपका फोटोशॉप CS6 और CC2014 के साथ चलेगा, तो वो आपका पहले इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके भी मेरे पास दो सोल्यूशन है, तो मैं दोनों सोल्यूशन आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे करके डाटा भी आपका इंस्टॉल होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी है सॉफ्टवेयर के लिए, इंस्टॉलेशन आपको मैं ही करा के दूंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, बहुत ही इजी है, वैसे सब कुछ मैं ही करा के दूंगा, तो आपको इंस्टॉलेशन की टेंशन लेनी नहीं है। तो अभी सॉफ्टवेयर हम लोग का इंस्टॉल हो गया मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर कि सॉफ्टवेयर को अभी सबसे पहली बार हम लोग ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे और सॉफ्टवेयर में काम कैसे करना है। यहाँ से आपको बिल्कुल डीपली वॉच करना है, क्योंकि यहाँ से आपको देखना है कि कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया जाता है। तो मेरे पास फोटोशॉप CS6 ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं अपने फोटोशॉप CS6 को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फोटोशॉप CS6 ओपन हो रहा है। फोटोशॉप खुलने के बाद हम लोग सीखते हैं कि फोटोशॉप के अंदर अपने उस पैनल को कैसे लेके आते हैं। फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा विंडोज, विंडोज पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोटो कोलाज मेकर 7, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपको जो सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है और यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो चुका है। यही आपके सॉफ्टवेयर का फर्स्ट लुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है। हर एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 3D ऑप्शन भी यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके अंदर जितने भी बटन है वो क्या बटन है, वो कैसे काम करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को वर्क दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका बैनर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसका बैनर है, इसमें नाम लिखा हुआ है कोलाज मेकर 7.0। यहाँ पे इसका टूल्स वगैरह है जो कि अपने को जरूरत पड़ती है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन है फोटो कोलाज के लिए, यानी ऑटो कोलाज बनाने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सारा दिया जा रहा है। इसी के अंदर आपको फुली ऑटोमेटिक कोलाज भी बन सकता है, अगर सिंगल सिंगल फोटो के साथ काम करना है तो वो भी कर सकते हो, कलर वगैरह भी कर सकते हो, स्मूथ भी वगैरह कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको डीपली बताऊंगा कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आपका टूल्स है, फोटो कोलाज बनने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको चेंजेस के लिए सारे बटन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे काफी सारे कलर ग्रेडियंट्स भी दिए जा रहे हैं, क्लिप आर्ट्स भी है, कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं,
टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, रेडीमेड ओवरले वगैरह भी, फोटो स्वैप भी कर सकते हैं, फोटो स्मूथ भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर किसी भी कलर में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मैनुअल का। अगर आप पसंद करते हैं अपने कोलाज को मैनुअल बनाना, तो मैनुअल के लिए भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से आप कोलाज को मैनुअल तरीके से आप यहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आपको पेज ओपन करना है, फ्रेम ऐड करना है, फ्रेम की सेटिंग हो जाएगी, फिर आप इसमें मास्क भी ऐड कर सकते हो, शेप भी ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हो, रेडी टू यूज टेक्स्ट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और ऐड बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अलग से कलर के ग्रेडियंट्स दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत अमेजिंग इफेक्ट देने वाले हैं। यहाँ पे आपको 3D ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि अगर आपका जब कोलाज बन जाएगा, अपने कोलाज को, अपने पार्टी को शो करेंगे आप 3D में, तो आपका पार्टी जो है आपके कोलाज को 100% वो अप्रूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा आपको नाम दिख जाएगा और यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएगा। अगर आप मेरा ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को अगर आप बाय करना चाहते हैं चीप प्राइस में, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे जो पहला बटन होता है ओपन PhD का ही होगा। यहाँ पे जो पहला बटन है ये है आपका ओपन PhD, मैं मार्क कर देता हूँ। इस वाले बटन से आपकी PhD ओपन होगी। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे काफी सारे PhD के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 20+ कोलाज के PhD के ऑप्शन यहाँ पे। कई बार ये होता है कि आपके जो कस्टमर होता है वो 20+ पिक्चर्स देते हैं, तो वहाँ पे आपको ये यूज करना है। यहाँ पे आपका अल्फाबेट वाला, अगर आपका कोई कस्टमर है जो कि अल्फाबेट में आपको डिजाइन बनाने के लिए बोलता है, जैसे कि इंग्लिश के जो होते हैं ABCD, तो आपको यहाँ पे वो डिजाइन दिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपको अल्फाबेट के सारे डिजाइन यहाँ पे दिखेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर फुली ऑटोमेटिक चलेगा, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना, आपको कुछ भी मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ क्रिएटिव कलर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको काफी सारे क्रिएटिव कलर्स दिखाई देंगे, जो कि आप अपने डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो फोल्डर है मेरा वो है कस्टम कलर्स। कस्टम कलर्स के बारे में आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखा होगा, काफी लोग यूट्यूब पे सेल कर रहे हैं। खुद मैंने काफी सारी कस्टम कलर्स के PhD मैंने अपने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, लेकिन काफी सारे दूसरे यूट्यूबर मेरे ही चैनल से कॉपी करके सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात गलत है, लेकिन ओके मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ चीज के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको अपनी सारी PhD दे रखी है। कस्टम कलर्स पे चलते हैं एक बारी। यहाँ पे आपको तीन फोल्डर दिख जाते हैं। तीन फोल्डर में पहला है बर्थडे से रिलेटेड है, दूसरा लव से रिलेटेड है, तीसरा आपका न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड है। बर्थडे से रिलेटेड है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसी टाइप की कॉलेज की PhD आजकल चल रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी मैंने PhD यहाँ पे आपको दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मून से रिलेटेड भी है, इस टाइप से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक होगा। आप इसमें कॉलेज में कैलेंडर भी चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लव से रिलेटेड मिल जाएंगे। काफी सारी PhD यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और PhD की जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन है, तो आपको क्वालिटी की भी टेंशन नहीं होगी। आपको 300 DPI में आपको सारे डिजाइन मिलने वाले हैं। यहाँ पे न्यू बॉर्न की PhD है, लेकिन ये कम है, ये 5 ही पीस है, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं आपको इसकी और भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे आपके कुछ हर्ट की PhD मैंने दी हुई है। काफी सारे कस्टमर आपके जो फोटो है वो हर्ट में चाहते हैं, तो हर्ट के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे सेपरेट फोल्डर दे दिया है, जो कि मल्टीपल फोटो के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको मास्क और फ्रेम को मिक्स करके यहाँ पे एक कोलाज दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल अच्छा लगता है और उसको वर्टिकल बनाना चाहते हो, तो आप सिंगल क्लिक के साथ वो भी कर सकते हो। मेरे सॉफ्टवेयर में वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ इस टाइप के डिजाइन है। ये काफी सारे सोवर डिजाइन दिखाई देते हैं, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब फोटो लग जाती है तो बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। ये काफी सारे जो रिच पर्सन होते हैं वो लोग ज्यादातर इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ मेरे पर्सनल कोलाज, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। देख सकते हैं आपको ये बहुत ही प्यारा कोलाज के डिजाइन है। ये स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर में काफी सारी फोटो लगाने का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिप आर्ट भी ऐड कर दिए, जो कि बहुत ही प्यारा एक अच्छा लुक दे रहा है। आप क्लिप आर्ट अगर हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं, उसकी जगह फ्रेम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर नंबर का अगर आपको डालना है, कोई पार्टी आपको बोलता है नंबर चाहिए, तो आप नंबर डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, हटा सकते हो, सब कर सकते हो। यहाँ पे कुछ यूनिक टाइप से कोलाज है। यहाँ पे देख सकते हैं लंबे टाइप के कोलाज मैंने आपको दिए हैं। कई बार आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट आती है कुछ डिफरेंट करने के लिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही शेप में आप प्रिंट आउट कर सकते हो। यहाँ से बैक करते हैं। लास्ट एक फोल्डर है ट्री कोलाज। ट्री कोलाज भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं आपको 10 PhD प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे काफी सारी PhD प्रोवाइड मैं करने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको मैंने PhD शो कर दी है। मैं यहाँ से बंद करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो PhD ओपन करने के लिए हम लोग पहला बटन दबाते हैं और यहाँ से कोई भी एक PhD को सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं जा रहा हूँ अपनी क्रिएटिव कॉलेज की PhD पर, यहाँ से मैं कोई भी एक PhD को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली PhD मैंने सिलेक्ट कर ली है, 21 नंबर की फाइल है, यहाँ पे ओपन हो चुकी है। बिल्कुल सेम आपके पास भी ऐसे ही ओपन होगी। अगर आप इसका साइज चेक करना चाहते हैं तो आप इमेज पे जाएंगे। इमेज पे जाने के बाद इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 रेजोल्यूशन आपको दिखाई देगा। मेरे सारे PhD का रेजोल्यूशन आपको 300 दिखाई देगा। इंचेस में देखना चाहते हैं तो 12-18 की इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। अगर इसी डिजाइन को आपको अगर हॉरिजॉन्टल में मूव करना है या फिर वर्टिकल में मूव करना है, तो आप सब चीज कर सकते हैं, विद डिजाइन और विदाउट डिजाइन दोनों ही कर सकते। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग चलते हैं सेकंड बटन पे, ये वाले बटन पे। ठीक है, ये वाला जो बटन है मैं मार्क कर रहा हूँ आपको, ये आपका ऑटोमेटिक बटन दिया हुआ है। इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे ही बटन दबाओगे तो आपकी सारी फोटो जो है वो आपके फ्रेम के जाके साथ ऐड हो जाएगी। तो अब सारी फोटो ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब आपके पास
फोटो होनी चाहिए। वो कहाँ होगी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे माई कंप्यूटर पे चलते हैं। जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो आपके डी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर का नाम होगा फोटो कोलाज मेकर 7.0। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपके दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक डाटा का फोल्डर है, ठीक है, एक आपका कस्टमर की फोटो का फोल्डर है। तो जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, जो भी आते हैं, अपनी फोटो को आप यहाँ पे रखेंगे। आपकी फोटो किसी भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी फोटो बस यहाँ पे रहनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक कस्टमर आया है, उसने मुझे ये 21 फोटो दी है, 21 फोटो यहाँ पे मैं डाल दी, उसकी कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे मैं अपने कस्टमर का काम डन करके दे देता हूँ, प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा, मैं उसकी जो 21 फोटो है या तो मैं किसी दूसरे फोल्डर में मूव कर दूंगा या तो फिर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे नहीं रखने, यहाँ पे आपको वही फोटो रखनी है जिस फोटो के साथ आपको काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पर आपको कुछ फोटो यहाँ पे दी हुई है, ये आपको भी मिलेगी, लेकिन आप इसको डिलीट करके आप अपने कस्टमर की फोटो वहाँ पे डाल सकते हैं। जो दूसरा फोल्डर है ये डाटा का है। डाटा के अंदर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएगा, कैलेंडर मिल जाएगा जो कि इस साल का होगा, क्लिप आर्ट, मास्क, ओवरले, पीएनजी फ्रेम और शेप और टेक्स्ट, ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको जो कि अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी फोटो यहाँ पे रहनी चाहिए। मेरी सारी फोटो यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं चलता हूँ फोटोशॉप में। यहाँ पे जो ये मेरा ऑटोमेटिक वाला बटन था मैंने आपको जैसे बताया, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ना ही आपको कोई फ्रेम सिलेक्ट करना है, ना ही अपनी फोटो का नाम चेंज करना है, कहीं पे कुछ भी नहीं करना। आपने पीएचडी ओपन करी और यहाँ पे एड मल्टी फोटो पे क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी फोटो ऑटोमेटिकली सारी फोटो एक एक करके आएगी और आपके फ्रेम में जाके बिल्कुल सही जगह पे सेट हो जाएगी। कुछ फोटो का साइज हो सकता है छोटा बड़ा हो, कुछ फोटो की जो क्लिकिंग पिक्चर का एरिया होता है वो कुछ साइड होता है, राइट साइड या अप साइड या डाउन होगा, तो उस चीज को हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊं कि कैसे करना है। मैंने इसलिए आपको हर एक टाइप की पिक्चर यहाँ पे ले रखी है ताकि आप लोगों को मैं सही से समझा सकूं। तो यहाँ पे मेरी पिक्चर ऐड हो रही है, दो पिक्चर ऐड हो गई है, ये मेरी तीसरी पिक्चर है। आप देखें जितनी भी मेरी फ्रेम है ना उतनी ही पिक्चर जाएगी। उसके बाद जैसे मेरी फ्रेम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका मैसेज आ जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे चार फोटो हो गई है और ये पांचवी फोटो जा रही है वहाँ पे, ये पांचवी फोटो ऐड हो गई है। अभी छठी फोटो ऐड हो जाएगी, फिर सातवीं, फिर आठवीं। तो यहाँ पे आठ फोटो लगाने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी फोटो हो गई है, एक फोटो रहती है ये हो जाती है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी ये वाली फोटो भी ऐड हो रही है, ये हो गई है ऐड। ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला मैसेज आएगा, ये बोल रहा है कि आपके फ्रेम यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना है, फिर से दोबारा स्टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ये नॉर्मल बात है, ये आपके पास तीन बार मैसेज आएगा, ये नॉर्मल है। आपका डिजाइन यहाँ पे रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने डिजाइन पे जैसे कि ये बच्चे की फोटो आप देख सकते हैं कट रही है, बच्चे की फोटो को क्लिक करना है, ये डाउन कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ ठीक है, ये लड़की की फोटो को डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो फोटो है ये भी हम लोग को छोटा छोटा बड़ा करना पड़ सकता है, ठीक है, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इसी फोटो को छोटा बड़ा कर लेते। मैंने फोटो पे क्लिक करके रखा, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ये वाला ऑप्शन है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाले बटन से आपको अपनी फोटो या फ्रेम को रिसाइज करना है। आपने फोटो सेलेक्ट कर लिया, आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दो, आपकी फोटो में कंट्रोल टी लगा हुआ जाएगा, आप अपने हिसाब से उसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि बैकग्राउंड ना दिखे उसके अंदर। फिर ये मैंने सेट कर दिया, ऐसे हो गया। बाकी सारी फोटो मेरी ऑलरेडी सेट थी। अब मुझे कलर करेक्शन करना चाहता हूं मैं, मुझे लग रहा है कि मेरी किसी फोटो में कलर ज्यादा है या फिर कम है, उसको ठीक करना। जैसे कि जस्ट लाइक मेरी ये फोटो, मैं जो अभी मूव कर रहा हूं, इस फोटो में जो मेरा कलर करेक्शन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि देना चाहिए। यहाँ पे आपको जो ये प्लस बटन दिया हुआ है ये आपका लाइट बढ़ाने के लिए है, और ये जो माइनस बटन है ये आपकी लाइट को घटाने के लिए। तो मुझे इस फोटो के अंदर लाइट को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, फोटो को सिलेक्ट करके रखा और यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया, फोटो मेरी यहाँ पे लाइट हो गई है। ज्यादा लाइट लग रही है आपको, यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दो तो फोटो जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो मुझे लाइट रखनी है, ये होगी। अब मुझे बीच की फोटो को लाइट करना है, तो आप अपने हिसाब से लाइटिंग यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी लाइट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं, किसी फोटो को स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो आपको फोटो पे क्लिक करके रखना, जस्ट लाइक मैंने ये फोटो पे क्लिक करके रखा। स्मूथ का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये आपको फोटो स्मूथ का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो स्मूथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पे ये स्मूथ हो रही है आपकी। स्मूथ होने के बाद ये भी आपने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन बने हुए हैं, और जैसे कि ये वाला बटन है और आपका एक ये वाला बटन है। तो मैं सबसे पहले आपको ये वाला बटन बता रहा हूँ, ये बैकग्राउंड चेंज करने का बटन है। तो जैसे कि आपको लग रहा है कि मुझे इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप ये वाले नीले वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि बैकग्राउंड आपको कौन सा उठाना है। आपके पास कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब चीज मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। यहाँ से कोई सा बैकग्राउंड जो भी आपको सही लग रहा है वो सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, मैं डबल क्लिक कर दिया एक बैकग्राउंड पे। डबल क्लिक करने के बाद मेरा बैकग्राउंड आएगा और सही जगह पे जाके सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी फोटो के ऊपर आ जाए या आपके क्लिप आर्ट के ऊपर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ गया और आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन में ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने ओके कर दिया यहाँ पे, तो आपको जो ब्लर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड वो ब्लर ही रहेगा। अगर आपको ब्लर नहीं करना है तो यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ब्लर अगर नहीं होगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये आपको कुछ बहुत ज्यादा घिचपिच टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको कंजस्टेड टाइप
आपका दिख रहा होगा राइट, तो आप यहाँ पे ब्लर ही रखो, ब्लर के लिए आप ओके कर दो। लेकिन अगर ब्लर नहीं रखना है आपको, ओरिजिनल ही रखना है आपको जैसे था, उस केस में आप इसको ओके पे क्लिक नहीं करेंगे, आप इसको कैंसिल पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैं अपने केस में ब्लर ही रखना चाहता हूँ और मैंने इसको ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा जो ब्लर है वो सेट हो गया। ठीक है, आप समझ गए। अब मुझे बैकग्राउंड पे ही लाइट देनी है थोड़ी सी, तो बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट करके रखो और ये प्लस का जो बटन है इस पे क्लिक कर दो, तो आपका बैकग्राउंड यहाँ से भी लाइट हो जाएगा। तो ये जो मेरा लाइटिंग वाला ऑप्शन है, लाइट और डी लाइट का, मतलब कि माइनस लाइट और प्लस लाइट का, तो आपको हर एक चीज में काम करेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा कोलाज जो है वो रेडी है, मैं इसको प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। लेकिन मान लेते कि मुझे कोलाज के अंदर किसी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ एक बार। ये जो मेरी पूरी लाइन है, मैं आपको ये वाले लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको ये वाली लाइन के बारे में बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है एक्चुअली। तो यहाँ से मैं कोई सी फोटो सिलेक्ट करूँ, जैसे कि मैंने ये बीच की फोटो सिलेक्ट कर ली, ये फोटो को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, जहाँ मेरा माउस है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो आपकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, अच्छी लग रही है तो ओके है, नहीं अच्छी लग रही है तो यहाँ पे बैक बटन है इस पर क्लिक कर दो। आप क्लिक करते साथ ही आपकी आ जाएगी ओरिजिनल कलर में, या तो फिर मैं यहाँ से करता हूँ ये वन नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये वन नंबर पर क्लिक करी तो आपको ऐसे दिखाई दे रही। तो चलो मैंने इसको ऐसे रख लिया, अब मैं बड़ी पिक्चर के साथ काम करके दिखाता हूँ आपको। ये बड़ी वाली जो पिक्चर है, मैंने इसको ड्रैग किया, इस पर मैंने सेलेक्ट कर लिया फोटो को, ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसमें कलर डालता हूँ, इसके दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर कलर डाला तो ऐसा हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड के साथ तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप क्या करोगे, तीसरा नंबर सेलेक्ट करके देखो एक बार। तीसरा नंबर अगर आपको सही लग रहा है तो ओके है, नहीं लग रहा है आपको तो चौथा कर सकते हो आप, चौथा सही लग रहा है तो ओके है, नहीं तो पांचवा। और अगर कुछ भी सही नहीं लग रहा है तो बैक पे क्लिक कर दो। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 जो है, मतलब कि सिंगल कलर में ही जाएगा। मैंने क्लिक किया येलो पे, मतलब कि 01 पे ये येलो कलर आ गया। ठीक है, 2 पे किया तो ये थोड़ा ग्रीनिश आ गया, 3rd पे किया तो ये रेडनिश आ जाएगा, 4th में किया तो रेड एंड ब्लू दोनों आ गया, 5th में 3 कलर आ जाते हैं और 6th में आपके एक सिंगल कलर आ जाता है, 7th में आपको देख सकते हैं, 8th में ये है, 9th में ये है, और फिर से यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है और यहाँ पे बैक बटन है। ठीक है, आप ये देख लिया, आप ये चीज समझ गए। अब यहाँ पे काफी सारे बटन बीच बीच में रह गए हैं मेरे, जैसे कि यहाँ पे ये दो बटन रह गए हैं मेरे, यहाँ पे मेरा ये बटन रह गया और यहाँ पे ये सारे बटन मेरे रहते हैं। इसमें से बस स्मूथ का बटन हम लोगों ने ये वाला कर लिया है, उसके बाद हम लोग मैनुअल पे चलेंगे। लेकिन पहले जो रह गए हैं बटन, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो क्या करना है, जैसे कि अभी मेरा ये डिजाइन लगभग रेडी हो गया मान लेते हैं, अभी मुझे इसको ना पार्टी को शो करना है कि कैसा ये प्रिंट आउट होगा। पार्टी जैसे अप्रूव करेगा मैं इसको प्रिंट आउट के लिए फिर कमांड दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जो 3D ऑप्शन है मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ये आपका जो पहला फ्रेम है ये वर्टिकल के लिए, सेकंड फ्रेम जो है हॉरिजॉन्टल के लिए और तीसरा फ्रेम जो है स्क्वायर के लिए। तो ये जो आपकी डिजाइन आपने बनाया ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है राइट। तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करना होगा, ये मैंने मार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपका जो ये डिजाइन है वो एक 3D लुक में आपको शो करने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी लोडिंग चल रही है यहाँ पे। गाइस मुझे पता है मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कोलाज से रिलेटेड तो आपको सारे सोल्यूशन यहाँ पे आज मिलने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। तो यहाँ पे जो मेरा ये डिजाइन है 3D डिजाइन रेडी हो चुका है विद व्हाइट बॉर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपनी पार्टी को यहाँ पे शो कर सकते हैं, पार्टी आपका 100% अप्रूव करेगा। तो ऐसे आप 3D में शो कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट इसको निकाल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपके पास काफी सारे और भी ऑप्शन है कोलाज के, जिसकी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जिसकी मैंने PHD पे क्लिक किया। काफी सारे कोलाज के ऑप्शन है, किसी भी कोलाज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं भी और भी दिखाता हूँ आपको, मैं इसको बंद कर देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है, जैसे कि ये जो पर्पल वाला जो बटन था इसका क्या मीनिंग है और ये सारे बटन का क्या मीनिंग है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। उसके बाद हम लोग मैनुअल पे चलेंगे, तो नई शीट लेते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया, ओके पे, सॉरी 9 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ से कोई सा भी एक डिजाइन ले रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ से कस्टमाइज फ्रेम का डिजाइन लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से बर्थडे का ले रहा हूँ मैं। ये मैंने ले लिया, एक मून डिजाइन है जो कि बहुत ही प्यारा है। ये डिजाइन को मैं डबल क्लिक कर दिया, मेरा डिजाइन यहाँ पे आ गया। अगर इसका साइज चेक करना चाहते हैं आप, फिर से मैं आपको साइज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 रेजोल्यूशन में आपको साइज दिख जाएगा। इंचेस अगर देखना चाहते हैं तो 12-18, तो बहुत अच्छा साइज है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा टेक्स्ट डाला हुआ है बर्थडे से रिलेटेड और मेरा यहाँ पे कैलेंडर डाला हुआ है, तो कैलेंडर डेफिनेटली आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं बता दूं कि कैसे चेंज करना है अभी। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपको फोटो दिखाई दे रही है, अगर आपको चाहते हैं कि एक सिंगल क्लिक में फोटो डल जाए, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपकी फोटो डली हुई है आपके कस्टमर की, तो ये वाली फोटो आपके लिए वहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर सीधा, अगर आप सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ये वाला बटन को दबा देते हैं, तो आपकी सारी फोटो ऑटोमेटिकली ये सारे फ्रेम में जाके सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे कि मैन्युअली आपको फोटो ऐड करनी है एक सिंगल सिंगल फोटो पे क्लिक करके, तो यहाँ से आप अपनी फ्रेम को जूम करो। पहले फ्रेम, जैसे कि नीचे वाले फ्रेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये वाला फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो पर्पल वाला बटन था मेरा, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो अब मेरे से ये फोटो पूछेगा, सेम फोल्डर में लेके जाएगा कि आपको कौन सी फोटो यहाँ पे ऐड करनी है। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ये वाली फोटो डबल क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने फोटो क्लिक किया डबल क्लिक, वो फोटो मेरी आएगी और सही जगह जाके वहाँ पे सेट हो जाने वाली है। शेप के अकॉर्डिंगली वो हो सकते हैं थोड़ी कट सके, तो आप उसको छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंगली या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया, करेक्शन करना है तो प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी फोटो जो है करेक्शन हो गई है। सेकंड फ्रेम पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा सेकंड फ्रेम है, मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं फिर से पर्पल वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, सेकंड फोटो मुझे सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैंने सेकंड फोटो को डबल क्लिक कर दिया। सेकंड फोटो डबल क्लिक करने के बाद
मेरी फोटो यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे जाके सेट हो गई है। ठीक है गाइस, ये मेरी फोटो सेट हो गई। अब मैं तीसरे नंबर पे जा रहा हूँ। ऐसे ही करके अगर आपको सिंगल सिंगल फोटो डालनी है तो वो जो मेरा बटन है वो सिंगल फोटो के लिए है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको सिंगल फोटो ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, आप ऑटो में ऐड नहीं करना चाहते तो ये सिंगल फोटो के साथ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंगल फोटो के लिए है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारे फ्रेम में सिंगल सिंगल करके फोटो डाल देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिजाइनिंग की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारी फोटो को डाल दिया है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे सारी फोटो को वन बाय वन करके डाल दिया है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली डिजाइन रेडी है। मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कैलेंडर चेंज करना पड़ेगा। तो उसको आप देख लो कि कैलेंडर चेंज कैसे करना है। तो जिसमें आपको कैलेंडर लगा हुआ मिल रहा है ऑलरेडी, तो वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है। कैलेंडर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक डेट का फोल्डर मिल जाएगा। जिस भी डिजाइन में आपको कैलेंडर अगर डाला हुआ मिल रहा है तो आपको लेयर में यहाँ पे आपको डेट का फोल्डर मिल जाएगा। आपको ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सारे मंथ मिल जाएंगे जो कि आने वाले मंथ है। दिसंबर है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये फरवरी पे सिलेक्ट है, फरवरी आपको ऑन है। मैं मार्क कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये फरवरी का जो लेयर है ये आपकी ऑन है पूरी की पूरी। तो आप फरवरी की लेयर को ऑफ कर दोगे अपने पार्टी के अकॉर्डिंगली। ये मैंने ऑफ कर दिया। मेरा पार्टी मुझे बोल रहा है कि मुझे अप्रैल का बनाना है, ठीक है, या फिर मई का बनाना है। तो मैंने मई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने मई के ऊपर ऑन किया, तो ये मेरा मई का कैलेंडर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे जो हाईलाइट डेट है वो 8 के ऊपर डाली हुई है। पार्टी आपको बोल रहा है कि नहीं 22 पे डालना है मुझे, ठीक है, तो इसके लिए हर्ट को सिलेक्ट करके 22 पे डालना पड़ेगा। तो हर्ट आपको इसी लेयर पे मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है एससी, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपको, ये एससी वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट कर लो। आप सिलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया, मतलब कि आप यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल टी कर लो। कंट्रोल टी कर दिया आपने, या फिर आपको यहाँ से अगर ये बटन दबा सकते थे अगर आप, तब भी आपका कंट्रोल टी लग जाता। ये वाला बटन से भी आपको कंट्रोल टी हो जाता। तो यहाँ पे अभी कंट्रोल टी लग गया। मेरे पार्टी ने बोला था 22 नंबर है, तो मैं 22 नंबर पे इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद मैंने इसको एरो से, मतलब अपने कीबोर्ड से थोड़ा सा डाउन कर दिया। तो मेरा यहाँ पे कैलेंडर भी रेडी हो गया है। अगर आपको टेक्स्ट, आपका पार्टी बोल रहा है कि नहीं मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल है। टेक्स्ट के जो लेयर है यहाँ पे, मैं आपको ये ग्रुप को ऑफ कर देता हूँ और जो टेक्स्ट की लेयर है मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी टेक्स्ट की लेयर है जो कि रेडीमेड टेक्स्ट डाला हुआ है। आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो टी पे क्लिक करो, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो या फिर अपने पार्टी के हिसाब से यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो क्लिप आर्ट डाला हुआ है अगर आपको उसको मूव करना है तो जस्ट क्लिक करो, मूव कर दो। कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो, लेकिन मूव मत करना क्योंकि डिजाइन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे तो सच में बहुत अच्छा दिखाई देगा। चलो इस वाले डिजाइन को मैं 3D में आपको दिखाता हूँ आपकी बार। ठीक है, तो ये क्या है आपका वर्टिकल है, राइट? तो वर्टिकल के लिए मैं वर्टिकल वाले फ्रेम पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया वर्टिकल वाले फ्रेम के ऊपर। तो अब मेरा क्या होगा, ये जो डिजाइन है वो वर्टिकल फ्रेम में आपको यहाँ पे शो करेगा 3D के अंदर, जो कि बहुत ही प्यारा दिखाई देगा और आपका पार्टी 100% उसको अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा डिजाइन है 3D में आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। आप अपनी पार्टी को बस ये वाली चीज फ्रेम में शो कर दो, आपका पार्टी 100% वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कंटेंट हो गया। तो गाइस मैंने आपको अभी ये वाला जो पर्पल बटन था इसका मतलब समझा दिया है और आपको लगभग यहाँ पे सारे बटन का मतलब पता चल गया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वाले बटन से आपको PSD ओपन होती है, ये वाले बटन से आपकी मल्टीपल फोटो सिंगल क्लिक में ऐड हो जाएगी, ये वाले बटन से आपकी सिंगल सिंगल फोटो ऐड कर सकते हो और ये वाले बटन से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। ये वाला बटन आपने देख लिया, इससे आपका कंट्रोल टी या फिर मतलब की फोटो या फिर फ्रेम का साइज को रिसाइज कर सकते हो। ये जो दोनों बटन है आपका लाइट प्लस और माइनस के लिए है। यहाँ पे स्वैप बटन आपने देख लिया है और आपने यहाँ पे ये जो कलरफुल वाले बटन थे ये आपने देख लिए हैं और इसके नीचे यहाँ पे जो ये कलर वाले बटन थे आपने ये भी देख लिए हैं और 3D का बटन भी मतलब लगभग आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे ये सेव एस बटन दिया हुआ है। अगर आपको डिजाइन सेव करना है तो यहाँ से आप सेव एस बटन पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो मेरे बटन बचे हुए हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, इसी फ्रेम के साथ बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो 3D वाला है आपने पार्टी को दिखा दिया, JPG करके इसको अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, आपका पार्टी ने अप्रूव कर दिया, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं 3D वाले को। आपका डिजाइन अभी भी यहाँ पर ही है, वो भी PSD के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग से बटन बताने जा रहा हूँ जो मेरे एक्स्ट्रा बटन्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्लिप आर्ट आपको ऐड करना है, डिजाइन आपको कोई भी हो, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इस डिजाइन के साथ, आपका डिजाइन कोई भी हो सकता है। अगर आपको क्लिप आर्ट ऐड करना है तो यहाँ पे बटन दिया हुआ आपका ऐड क्लिप आर्ट का, इस वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला जो बटन है वो क्लिप आर्ट के फोल्डर में ले जाएगा। यहाँ पे आपको अल्फाबेट का क्लिप आर्ट मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अल्फाबेट डलवाना पसंद करते हैं आजकल, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट भी मिल जाएंगे सारे के सारे इंग्लिश से लेटिट्यूड के डिजाइनिंग वाले हैं। उसको अगर आपका कार्टून टाइप का कुछ बनाना चाह रहे हैं, बच्चे के लिए बना रहे हैं बर्थडे के लिए, तो यहाँ पे आपको कार्टून्स भी दिए जा रहे हैं कि कार्टून की इमेज को आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रीम कैचर दिया जा रहा है, अगर आपको ड्रीम कैचर लगाना है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है जो कि काफी सारे यूजफुल है, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लव से रिलेटेड बना रहे हैं, अगर वैलेंटाइन डे से रिलेटेड या तो फिर रोमांस से रिलेटेड बना रहे हैं, एनिवर्सरी से रिलेटेड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो ये डिजाइन है मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये बेबी से रिलेटेड है, बर्थडे से। मैंने भले ही आपको फोटो यहाँ पे बच्चे की नहीं डाली है,
क्योंकि मेरे पास बच्चे की फोटो थी नहीं, एक ही फोटो थी मैंने डाली है, तो आप समझ लो कि बच्चे की फोटो है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, कार्टून की फोटो को लेता हूँ। कार्टून की फोटो को मैं कोई भी ले सकता हूँ जो भी मुझे डालनी है। तो जस्ट लाइक मैं ये वाली ले रहा हूँ, पहले नंबर की ले रहा हूँ, डबल क्लिक कर दिया मैंने। अब मैंने डबल क्लिक किया लेकिन मेरे कार्टून की जो लेयर है वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं इस कार्टून के लेयर को कहीं पे भी सेट रखना है मुझे, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेट यहाँ पे कर दिया, ये मैंने इतना सेट कर दिया। मैं आपको अभी जूम करके दिखाऊंगा, ये मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, कट रहा है मेरे इमेज यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे सेट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे सेट हो गई है। इसी रंग से आपको अपने क्लिप आर्ट्स ऐड करने हैं। इन फ्यूचर में आप लोगों को काफी सारे क्लिप आर्ट्स और ऐड करने वाला हूँ। ये सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़े लेवल में ये सॉफ्टवेयर जाने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ मेरे माइंड में है इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से रिलेटेड। ठीक है, हर महीने काफी सारी यूनिक पीएचडी आप लोगों को मिलती रहेगी, इसके अंदर काफी सारी चीजें मिलने वाली है। हर एक चीज में हर बार प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली आपको मिलेगी वो चीज। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया क्लिप आर्ट्स ऐड हो गए। अब कैलेंडर पे चलते हैं, जिसके ऐड कैलेंडर जो बटन है वो आपको अगर कैसे डालना है, तो ये मैं आपको दूसरे वाली पीएचडी के साथ बताऊं, क्योंकि इस वाली पीएचडी में कैलेंडर ऑलरेडी डाला हुआ है। ये जब हम लोग मैनुअल का काम करेंगे ना, ये जो मैनुअल का जो ये है, मैं आपको पैनल दिखाता हूँ, ये पैनल मैनुअल का है। तो जब मैनुअल काम करेंगे तब मैं आपको ये कैलेंडर वाला बटन को बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ रेडीमेड टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं इस वाली शीट में। रेडीमेड टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जो बटन दिया जा रहा है ऐड टेक्स्ट का, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फोल्डर आ जाएगा रेडीमेड टेक्स्ट का। तो यहाँ से आप कोई से भी टेक्स्ट को डबल क्लिक करो, जस्ट लाइक मैंने इस पे क्लिक कर दिया बिलीव पे, तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है आपके सामने आएगा, फोटोशॉप में आएगा वो, आपकी शीट में जाके वो चला जाएगा। वो बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा साइज है। तो कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा आपके पास, आप बस अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको ऐड करना है अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली या फिर आपके अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है, तो मैं इसको कहीं पे भी मूव भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे रखना है मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ऐड टेक्स्ट भी आपने देख लिया, अब ऐड ओवरले देख लो आप। अब ये ओवरले है तो डेफिनेटली आप फोटो के साथ दोगे। तो यहाँ पे जो इससे भी आपकी फोटो हाईलाइटेड है, जो भी आपकी फोटो बड़ी है या फिर आप ओवरले यूज करना है, जैसे कि ये ग्रीन वाली जो बैकग्राउंड है इसके साथ यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, फोटो आपने डाल दी है, डिजाइन आपको ऑलरेडी रेडी है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये ओवरले को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको फोटो को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ये ऐड ओवरले पे क्लिक कर दिया। उसके बाद काफी सारे ओवरले का फोल्डर आपके पास खुल जाएगा, यहाँ से कोई सा भी एक ओवरले आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। जस्ट लाइक मैंने एक ये वाले ओवरले को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये बोकस लाइट है, डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करने के बाद जो मेरा ये ओवरलाइट है वो आके फोटो के साथ ही वो सेट हो जाएगी, ये सेट हो गई है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ऐसे ही प्रिंट आउट कर देंगे, नहीं अच्छी लग रही है तो अपने कीबोर्ड से डेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, डेल मतलब डिलीट। ठीक है, फिर से आप एड ओवरले पे क्लिक करेंगे। अगर दूसरा आपको डालना है, जैसे जस्ट लाइक मुझे ये डालना है, मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद ये आपकी फोटो के साथ जाके सेट हो जाएगा। कई भी कबार आपको अगर डालने की जरूरत पड़ती है तो आप डाल सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने इसको हटा दिया। अब रह गया इसमें फोटो स्वैप बटन। अब ये जो फोटो स्वैप बटन है, अब फोटो स्वैप का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है, दो फोटो को इंटरचेंज करना। मतलब कि दो फ्रेम है, दो फ्रेम में दो फोटो डाली हुई है, अब पहली फोटो की जो फ्रेम है उसको सेकंड फोटो में लगानी है, सेकंड फोटो को फर्स्ट फोटो वाले फ्रेम में लगानी है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, दो फ्रेम सेट करता हूँ। ठीक है, चलो ये हरी वाली फोटो है ना, इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए मैंने इस पे क्लिक करके रखा, तो ये मेरी जो लेयर है वो सिलेक्ट हो गई, तीन नंबर की लेयर है ये सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये लेयर जो मेरी सिलेक्ट है। अब मेरी जो ये येलो वाली लेयर है इसको मैं इंटरचेंज करना चाहता हूँ। ये हरी वाली जो फोटो है लड़की की इसको ऊपर करना चाहता हूँ, ये जो येलो वाली फोटो लड़की की इसको मैं नीचे करना चाहता हूँ। तो ये हरी वाली तो लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली है, अब येलो वाली फोटो के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, या तो फिर जो लेयर है इसकी लेयर के ऊपर आप क्लिक कर दो। आप लेयर को यहाँ पे आप ढूंढ लोगे जो भी लेयर है, या तो फिर आप शिफ्ट पे क्लिक करके रखोगे और क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी सिक्स नंबर की लेयर है जो सिलेक्ट हो गई है, और यहाँ पे नीचे की तरफ में ये तीन नंबर की जो लेयर है वो सिलेक्ट है। ये दोनों फोटो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे स्वैप फोटो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, इस फोटो को हटा के रिमूव करके ऐड करना है, दूसरी फोटो को फिर हटा के फिर ऐड करना है, बहुत झमेला होता है, लेकिन स्वैप बटन से आपका सीधा काम हो गया। यहाँ देख सकते हैं आपकी फोटो स्वैप हो चुकी है। तो इस ढंग से स्वैप होगा। स्वैप आप लास्ट से फर्स्ट फोटो भी कर सकते हो, बीच में भी किसी भी टाइप की फोटो के साथ कर सकते हो आप। ठीक है, स्वैप फोटो हो गया। उसके बाद आगे फोटो स्मूथ। तो फोटो स्मूथ तो आपने देख ही लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन डन हो गए, सिर्फ ये दो ऑप्शन बचे हैं आप। तो ये दो ऑप्शन को मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करते हैं। जो ये पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका पेज साइज का है। अगर आपको पेज को रिसाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो बटन है आपका बीच का, पेज के साथ अगर आपको डिजाइन को भी रिसाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पे डिजाइन बना लिया, डिजाइन बनाने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो हॉरिजॉन्टल बनाना था, लेकिन ये तो फोटो मेरी वर्टिकल है, कस्टमर का जो डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन मेरा जो डिजाइन है मैंने जो बना दिया गलती से वो मेरे वर्टिकल में बना दिया। अब मुझे या तो पूरा दोबारा से डिजाइन बनाना पड़ेगा या फिर मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मेरी पिक्चर भी ऐड है, वो सबका साइज चेंज हो जाएगा, सब कुछ मिसमैच हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस सॉफ्टवेयर के साथ नहीं होगा। इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ सही रहेगा यहाँ। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि अगर आपका डिजाइन बन चुका है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी है, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ बटन, इस
बटन पे आप क्लिक करेंगे, बीच वाला बटन है, जैसे कि ये फ्रेम और डिजाइन, ये आपका डिजाइन और पेज दोनों को ही चेंज करेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपका पिक्सल लिखा रहा है, पिक्सल को आप इंचेस में कर देंगे। अगर आप सेंटीमीटर समझते हैं तो आप सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर समझते हैं तो मिलीमीटर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इंचेस समझता हूँ अपने केस में, तो मैं इंचेस पे क्लिक करूंगा। ये मेरा जो साइज है ऑलरेडी ये 12x18 का है, 18 इसकी हाइट है, 12 इसकी विड्थ है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को उल्टा दिखा रहा है। वो उल्टा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको मैंने चेंज करने के टाइम पे ये वाला कंडीशन दिया था, तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, यहाँ पे आपको अपना साइज डालना है जो भी आपका पार्टी बोल रही है। अब मान लेते हैं ये वर्टिकल है, वर्टिकल से आपको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, 12x18 में ही रखना है लेकिन हॉरिजॉन्टल बनाना है। अब 12x18 का हॉरिजॉन्टल साइज क्या होता है, ठीक है, विड्थ जो होगी उसकी डेफिनेटली वो 18 ही होगी, हाइट जो होगी उसकी 12 होगी, या तो चलो 8x12 कर लेते हैं, 12 मैंने कर दी इसकी विड्थ और हाइट कर दी मैंने इसकी 8, ये आपका हॉरिजॉन्टल साइज हो जाता है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस किया, प्रोसेस जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो डिजाइन है वो डिजाइन ऐसा का ऐसा ही रह गया, कंट्रोल टी लगा हुआ आ गया आपके डिजाइन के साथ, और आपकी जो पेज है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया, और आपकी जो शीट है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेज है उसमें कोई सी भी फोटो स्ट्रेच नहीं हुई है, ठीक है, ना ही स्ट्रेच हुई है, ना ही दबी है, ना ही कुछ भी हुआ, देख सकते हो आप, आपका बिल्कुल सही आ गया। अब जो ये कंट्रोल टी लगा हुआ है, कंट्रोल टी इसलिए लगा हुआ है ताकि आप अपने डिजाइन को सेट कर सको वहां पे, तो मैंने शिफ्ट दबा लिया है। शिफ्ट दबाने के बाद अपने डिजाइन को मैं यहाँ पे ऐसे करके सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा डिजाइन यहाँ पे आ गया। अब इस डिजाइन को मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा, इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा मैं ताकि मेरी जितना भी डिजाइन है वो यहाँ पे मुझे दिख जाए। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया अभी। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद जो मेरा इसका जो पेज जो अभी दिखाई दे रहा व्हाइट पेज जो पहले से डला हुआ था बैकग्राउंड मतलब की, वो भी आ जाएगा अभी, वो आ गया। अब उसका साइज पूछ रहा है आपसे कि साइज क्या रखना चाहते हो, तो साइज ओके है, साइज अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर दो, नहीं करना चाहते ना भी करोगे तब भी चलेगा क्योंकि वो पेज के बाहर निकला हुआ है, तो पेज के बाहर वाली चीजें प्रिंट आउट नहीं होती है, तो इतना रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा डिजाइन अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो साइज है वो फोटो का स्ट्रेच नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया तो डेफिनेटली राइट और लेफ्ट में आपकी जगह बचेगी। तो यहां से अब आपको अपने डिजाइनिंग को सेट करना है और भी ज्यादा बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए क्या करो आप, यस की ये आपका जो केक डला हुआ है इस केक को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। केक को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ये मैंने बढ़ा लिया, ठीक है, बढ़ा लिया। अब मैं जा रहा हूँ कैलेंडर के, कैलेंडर में मैंने क्लिक किया, जस्ट ये ग्रुप है तो आपको कंट्रोल टी वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उठा के बस यहाँ पे रख दो। ये मैंने रख दिया, ये मेरा बिलीव था तो बिलीव मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये टेक्स्ट था, टेक्स्ट को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। अब ये मेरा जो कार्टून लगाया था मैंने, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो ये बटन जो है मेरा ये मैंने मार्क कर दिया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, अपने साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब ये जो मेरा मून बना हुआ है इसको मुझे बड़ा करना है पेज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे आपके पास सारी फोटो को सिलेक्ट करो एक एक करके, यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरी सारी फोटो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है, ये आपकी सारी लेयर सिलेक्ट हो गई है, सारी लेयर आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, कंट्रोल टी कर लो इसको, कंट्रोल टी कर लिया, अब यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे ले जाने के बाद आप इसको बढ़ा लो, ये आपने बढ़ा लिया साइज कुछ ऐसे कर दिया, और डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपका जो डिजाइन है बगैर चेंज हुए वो रेडी हो चुका है। प्लीव को यहाँ पे रख देते हैं, या बिलीव को ऊपर करके ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपका डिजाइन बिल्कुल रेडी है, आपने वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल भी कन्वर्ट कर दिया और आपका डिजाइन खराब भी नहीं हुआ और आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये बटन का मतलब आप समझ गए, बेसिकली इस टाइप का बटन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने दे दिया। अब रह गया ये वाला बटन, पेज साइज चेंज करना। अब पेज साइज चेंज करना आप सीख लो कि कैसे करना है। जैसे कि आपने एक पीएचडी खोली, ओपन करी, मैंने इस डिजाइन को बंद कर दिया, मैं कोई भी एक पीएचडी ओपन कर रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ से एक ये वाली पीएचडी ले रहा हूँ, बहुत प्यारी पीएचडी है, ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मेरी पीएचडी ओपन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, ये पेज साइज पे क्लिक करना है, पेज साइज पे मैंने क्लिक कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या पेज साइज आपको रखना है। तो यहाँ पे आपका 250 रेजोल्यूशन डाला हुआ है, तो आप इसको 300 रख सकते हो, आप 250 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ से मैं इंचेस समझता हूँ तो इंचेस में डाल दिया। इसका जो अभी साइज है वो 12x18 है, 12x18 साइज है, मुझे इसको करना है 8x12 में करना है, या सेम रेशियो में रखना है मेरे को, लेकिन थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना है, ठीक है। जो आपका लंबा दिखाई दे रहा है, वर्टिकल दिखाई दे रहा है, वर्टिकल ही रखना है, लेकिन मुझे 20-30 करना है लाइक, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 20 और हाइट कर दी मैंने ये 30। रेजोल्यूशन में 300 रख सकता हूँ, लेकिन 250 भी ओके है। और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ से आपसे ये वाला पूछ सकता है, तो आप इसको ओके टू ऑल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कंटेंट डले हुए हैं इसलिए ओके टू ऑल करना है। उसके बाद आपके पास थोड़ी सी लोडिंग चलेगी और आपका जो पेज साइज है बगैर डिस्ट्रॉय हुए, बगैर पिक्सलेट हुए आपका जो डिजाइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा पेज है वो कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट होने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी जूम हो जाएगी। अब मैं इसका साइज चेक करवाता हूँ आपको, मैं इमेज पे गया, इमेज साइज पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 250 में रेजोल्यूशन छोड़ा था और इसका जो इंचेस है वो 20x30 हो गया। वैसे आप बड़े से बड़ा बना सकते हो,
और इसका जो पिक्सल है वो आपका फटेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं फटने वाला है इसके अंदर, सारा का सारा जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको फोटो डालनी है, ऑटो में डालनी है, तो यहाँ पे आपको जो ये पिंक वाला बटन है, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको पता है कि सारी फोटो ऑटोमेटिक जाएगी। सिंगल सिंगल डालना है तो आपको फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ से डालना होगा, बैकग्राउंड चेंज करना तो यहाँ से आपको करना होगा। तो बेसिकली आपने पूरा का पूरा ये पैनल सीख लिया है, जितने बटन है वो आपने सारे के सारे देख लिए हैं। तो इस बार डिजाइन में फोटो नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपने नेक्स्ट पैनल पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से फिनिश कर दूं और आप लोग समझ भी जाएंगे। यहाँ से मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग को एक चीज नहीं बताई है, ये ऐड कैलेंडर का ऑप्शन नहीं बताया, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं मैनुअल डिजाइन पे, कि अगर आपको मैनुअल डिजाइन करना है अपने अकॉर्डिंगली तो वो कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ओपन पेज। ओपन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि पेज का साइज क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये तो आपको पता ही है, यहाँ से इंचेस कर देते हैं और 12-18 या 18-12 या जो भी करना है आपको वो कर लोगे। जस्ट लाइक मुझे करना है लाइक 8-12 करना है, ये 8-12 कर दिया मैंने। रेजोल्यूशन मुझे 300 लेना है तो 300 ले लिया। अब मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही जो मेरा पेज खुलेगा वो 12-18 का पेज है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये मेरा 12-18 का पेज आपको, सॉरी 8-12 का पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो चुका है। अब मुझे फ्रेम ऐड करना है यहाँ पे, तो फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पे मेरा बटन दिया हुआ है फ्रेम का, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना आपको, ये जो फ्रेम है ये आर्टिस्टिक फ्रेम है, अमेजिंग टाइप के ब्यूटीफुल टाइप के फ्रेम आपको दिखाई देंगे जो कि आज की डेट में चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्टली आपका फ्रेम का फोल्डर ही खुलेगा, आपको कहीं पे ढूंढने नहीं जाना है। तो यहाँ से कोई सा भी एक फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जस्ट लाइक मैंने मान लेते हैं ये वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सर्कल फ्रेम है ये सिलेक्ट कर दिया, मेरा फ्रेम यहाँ पे आ गया। फ्रेम को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना मैंने बढ़ा लिया, ये मेरा फ्रेम ऐड हो गया। ये सिर्फ फ्रेम ऐड हुआ है लेकिन पिक्चर लगने का ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है, वो कैसे करना है। जब आपको फ्रेम ऐड हो जाए, यहाँ से जो लासो टूल होता है इस लासो टूल को क्लिक करेंगे और जो आपका जहाँ पे आपको फोटो लगानी है उसके इनर का जो एरिया है, मतलब कि आपको जो फ्रेम का एरिया है उसको ऐसे करके क्लिक कर लेंगे, जिसके मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि आप ये मैनुअल है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा इसके अंदर। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐसे सिलेक्शन बना हुआ आ जाता है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ सेटिंग, ये देख सकते हैं सेटिंग लिखा हुआ है, इस सेटिंग पे क्लिक कर देंगे आप। तो क्लिक करते के साथ ही आपका वहाँ पे फ्रेम सेट हो जाएगा, फ्रेम के बैक में चले जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पे होने वाला है। ये हो गया आपका, ये फ्रेम रेडी हो गया। अब मुझे साइड साइड में कुछ मान लेते हैं मास्क लगाने, तो यहाँ पे ऑप्शन है मेरा ऐड मास्क का। ये आपका ऐड मास्क है, ये आपका फ्रेमिंग वाला था जो आपने देख लिया, और अब रह गया आपका ये मास्क वाला। तो मास्क वाले पे क्लिक करते हैं आपकी बारी। तो ये मैंने मास्क पे क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है मास्क कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको सही लग रहा है मास्क वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे मास्क मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से बेसिकली मैं कोई सा भी एक मास्क को सिलेक्ट करूंगा, जस्ट लाइक मैंने वाला मास्क को डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करते के साथ ही ये जो मेरा मास्क है वो आएगा इमेज पे, पीछे ही जाएगा क्योंकि मास्क हमेशा पीछे रहना चाहिए। ये मेरा मास्क आ गया है। अब मैं मास्क को छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैंने यहाँ पे साइड में लगा दिया, यहाँ पे साइड में लगा दिया। मुझे एक और मास्क डालना है यहाँ पे या फिर फ्रेम डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक मास्क और डालता हूँ। मैंने मास्क पे क्लिक किया फिर से, यहाँ पे मैंने एक ये वाला मास्क डाल देते हैं, जस्ट लाइक ये वाला मास्क डाल देते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, ये इंक ड्रॉप वाला मास्क है जो कि बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। मैंने डबल क्लिक किया था तो यहाँ पे मेरे इमेज के साथ वो आ रहा है। मास्क आने के बाद आपका कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा ऑटोमेटिकली, अपने हिसाब से आप इसको छोटा कर लेंगे अपने डिजाइनिंग के हिसाब से। ये जस्ट मैं आप लोगों को मैनुअल का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे लगा दिया इस मास्क को, ठीक है, इतना बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, तो ये मैंने सेट कर दिया। अब मान लेते हैं कि मुझे इसको कैलेंडर भी देना है, ठीक है, कैलेंडर का जो मैंने बटन नहीं बताया था आपको, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैलेंडर डालना है। आपका पार्टनर ने बोला कि मुझे कैलेंडर भी डालना है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो नीचे डालना है। तो यहाँ पे जो ऐड कैलेंडर का बटन दिया था मैंने, ये ऐड कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप आ जाएंगे कैलेंडर के फोल्डर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास इस साल के सारे कैलेंडर दिखाई देंगे। अप्रैल है, अगस्त दिखाई दे रहा है, अक्टूबर है, जुलाई है, जनवरी, फरवरी, मतलब सारे आपको दिखाई देंगे। अब आपका पार्टी के अकॉर्डिंगली आप अपने कैलेंडर को सिलेक्ट कर लो। जस्ट लाइक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कोई सा भी, मैंने अगस्त सिलेक्ट कर दिया, अगस्त पे डबल क्लिक कर दिया तो मेरा अगस्त का कैलेंडर आएगा। और आने के बाद यहाँ पे आगे बीच में मैंने इसको बड़ा कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये सेट हो गया। अब इसके अंदर मुझे पीछे की तरफ में थोड़ा सा व्हाइट पेज देना है और मुझे हर्ट लगाना है जो कि मुझे हाईलाइट करनी है अपनी डेट। मैं फिर से जाऊंगा ऐड कैलेंडर के बटन पे, क्लिक किया, ये मेरा हर्ट है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हर्ट, और ये आपका बैक कवर है। तो मैंने बैक कवर पे डबल क्लिक किया। बैक कवर पे डबल क्लिक करते के साथ ही जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। अपनी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे आप और यहाँ पे आपने इसको ऐसे करके बढ़ा दिया। ये आपको अभी व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखाई दे रहा होगा सही से, लेकिन जब मैं इस वाले डिजाइन में बैकग्राउंड डालूंगा तब आपको सही से ये समझ आएगा। ये हो गया। अब मुझे हर्ट डालना है। अब हर्ट डालना है, उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो आपके दो क्लिप पार्ट है,
आपका व्हाइट वाइट लेयर है जो कि आपके कैलेंडर के ऊपर गई है, इस लेयर को आप नीचे कर लेंगे ताकि आपका कैलेंडर बिल्कुल हाईलाइट रहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एड कैलेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं हर्ट को लेके आऊँ। हर्ट को लेके आने के बाद मैं अपने किसी भी डेट पे जो हाईलाइट करनी है मुझे मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंगली मैं उसको कर लेता हूँ। जैसे जस्ट लाइक मुझे 14 करनी है, मैंने 14 पे रख दिया। तो यहाँ पे मेरा जो कैलेंडर है बेसिकली मेरा कैलेंडर यहाँ पे रेडी हो गया। अब हर्ट को मुझे नीचे करना होगा, हर्ट की लेयर को मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया तो वहाँ पे सेट हो गई, तो मेरा कैलेंडर यहाँ पे डन हो गया। अब यहाँ पे मुझे अगर मान लेते हैं कि बैकग्राउंड डालना है, राइट, तो बैकग्राउंड डालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहीं पर आपने अभी क्या देखा, आपने देखा ये फ्रेम वाला बटन देख लिया, आपने ये मास्क वाला बटन देख लिया और यहाँ पे ये कैलेंडर वाला बटन देख लिया ऊपर की तरफ में, और यहाँ से आपके पास है ये ऐड बैकग्राउंड का बटन। अभी हम लोग ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सेम है, आपसे ये बैकग्राउंड का पूछेगा कौन सा बैकग्राउंड आपको लगाना है। जो भी आपको लगाना है, सिंगल कलर भी लगा सकते हो आप, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ग्रे, ऑरेंज, ब्लू, जो भी लगाना वो लगा सकते हो। थोड़ा सा आर्टिस्टिक लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो मैंने ऑप्शन आपको दिए हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कैसा आपको लगाना है। तो यहाँ से जस्ट लाइक मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया ब्लू वाला एक, तो मैं डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये जो डिजाइन है मेरा वहां पे जाके सेट हो जाने वाला है बैकग्राउंड में। यहाँ पे मेरा डिजाइन सेट हो गया, लेकिन ब्लर के लिए पूछ रहा है तो मुझे इसको ब्लर नहीं करना है। प्रीव्यू हटाऊंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, मुझे ब्लर नहीं करना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद ओके आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब कैलेंडर देख सकते हैं कि कैलेंडर आपको अब ऐसा दिखाई दे रहा है। जो व्हाइट पेज था मेरा, अगर व्हाइट पेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार, ये मैंने जूम कर लिया, ये मैंने हटाया हुआ है, अभी डाल के दिखाता हूँ। ये आपका बैकग्राउंड था आपका कैलेंडर का, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए तभी आपको अच्छा दिखाई देगा। यहाँ तक हो गया मेरा गाइस। अभी मैं क्या करूंगा, अपने डिजाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी करना है वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है तो मैं अपना टेक्स्ट को टाइप कर लूंगा। क्लिप आर्ट डालना है तो यहाँ पे क्लिप आर्ट डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऐड क्लिप आर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे सेम फंक्शन होगा, आपसे क्लिप आर्ट पूछेगा, जो भी आपको डालना है अपने कस्टमर अकॉर्डिंगली वो डाल देंगे। तो जस्ट लाइक मुझे लव को बनाना है तो मैं लव से रिलेटेड कोई भी डाल देता हूँ यहाँ से उठा के। जस्ट लाइक मैंने एक डिजाइन को सिलेक्ट किया है, डबल क्लिक किया है और डबल क्लिक करने के बाद मेरा डिजाइन यहाँ पे आ गया, बीच में आया है, उठा के मैंने यहाँ पे रखा, इसको ऐसे करके मैंने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मेरा सेट हो गया। ठीक है, सेट होने के बाद अगर आपको कुछ लंबा टेक्स्ट लिखना था तो अपने इस फ्रेम को उठा के साइड रख लो और इस एरिया में आप अपना टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। ठीक है, टाइप करना तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, या तो फिर रेडीमेड टेक्स्ट अगर डालना है आपको तो यहाँ पे लिखा हो रेडी टू यूज टेक्स्ट, इस पे क्लिक कर सकते हो। अगर फोटो भी डालनी है, ठीक है, कोई शेप डालना है अगर, तो फ्रेम भी यूज कर सकते हो यहाँ से, या फिर मास्क भी यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से शेप पे चलते हैं, अभी हम लोग शेप भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो शेप पे क्लिक करेंगे, एड शेप पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे शेप्स आ गए हैं। जो भी शेप रखनी है आपको, शेप पे आप क्लिक कर दो जस्ट। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए ये मून पे क्लिक कर देता हूँ। ये मून पे मैंने क्लिक किया, मेरा मून आ रहा है यहाँ पे, ये मेरा आ गया, मून को मैंने बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मेरा ऑटोमेटिकली फ्रेम है। अब मुझे यहाँ पे फोटो डालनी है, मान लेते हैं कि मेरा डिजाइन ओके हो गया, अब मुझे फोटो डालनी है, ऑटो में डालनी है या फिर सिंगल सिंगल डालनी है, तो ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ऑटो में डालनी है तो आपको ये बटन दबाना है और सिंगल सिंगल डालनी है तो आपको ये बटन दबाना है। बट जस्ट आपकी जो फोटो है वो कस्टमर के फोल्डर में यहाँ पे होनी चाहिए। अपने पहले कस्टमर की फोटो आप हटा देंगे, नए कस्टमर की फोटो को आपको यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो में क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने ऑटो पे क्लिक कर दिया है तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे फोटो डलेगी। जैसे ही मेरी शीट बन जाती है उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। एक छोटी सी चीज आपको और बताऊंगा कि अगर आप छोटी सी अगर एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी ने आपको एक फोटो दी है, एक सिंगल फोटो के साथ आपको एडिटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे उसके लिए, तो वो कैसे कर पाओगे, तो वो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब जितना ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आते रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी फोटो ऐड हो रही है, फोटो ऐड हो जाए उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ यूनिक टाइप के डिजाइन को कैसे रेडी करना है आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरी दो फोटो ऐड हो गई, एक फोटो तो मेरी कट गई है मून की वजह से। मून में जो फोटो है वो थोड़ा साइड में होनी चाहिए, जैसे कोई सिंगल फोटो कपल फोटो वहां पे चलेगी तो कपल फोटो को अभी हम लोग स्वैप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी चार फोटो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब ये ओके आएगा, मतलब कि स्टॉप करना है, फिर से स्टॉप करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरी फोटो है थोड़ी अजीब सी सेट हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये कपल फोटो मैंने क्लिक कर दिया। सेकंड फोटो जो मेरी थी सर्कल पे, मैंने उसको क्लिक कर दिया और स्वैप फोटो पे क्लिक कर दिया। अब मेरी जो सिंगल फोटो है वो मून वाले पे आ जाएगी और जो डबल फोटो थी जो मून में थी वो सर्कल में चली जाएगी। ये मेरी सेट हो गई है। ठीक है, अब मैं अपनी इस वाली फोटो को ऐसे करके ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सेट हो गया। यहाँ पे एक बटन और दिया हुआ है शेडो का, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे शेडो का बटन दिया हुआ, शेडो एंड बॉर्डर। अगर आपको लग रहा है कि मून पे आपको शेडो या बॉर्डर देना है तो आपको क्या करना होगा, मून वाली लेयर पे क्लिक करके रखोगे, ये आपको जो फ्रेम है ये वाली देख सकते हो, आपकी फोटो तो यहाँ पर लगी है लेकिन ये आपके फ्रेम ये है, तो फ्रेम पे क्लिक करके रखना आप। ये मैंने फ्रेम पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे शेडो एंड बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे ऑटोमेटिकली व्हाइट शेडो चल जाएगा। शेडो को बढ़ाना है घटाना है वो कर सकते हो, स्ट्रोक को बढ़ाना घटाना आप वो भी कर सकते हो, या फिर स्ट्रोक को आपको कलरफुल देना तो आप कलरफुल भी यहाँ पे आप दे सकते हो अपने हिसाब से। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रेडियंट कलर वगैरह, डबल कलर वगैरह देना है, ट्रिपल कलर वगैरह देना है, तो आप सारे कलर दे सकते हो यहाँ पे देख सकते हो। मैं से आपको बता रहा हूँ कि काम करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो कुछ आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने इसको नहीं दिया कुछ भी, ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा था सिर्फ। तो एक डिजाइन मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक ओपन पेज किया। ठीक है, ओपन पेज करने के बाद मैंने इसका जो साइज है वो इंचेस में लिया और 12:18 ही ले रहा हूं मैं,
ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ और 300 रेजोल्यूशन पे मैंने ले लिया। ठीक है, कस्टमाइज फ्रेम बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा ड्रीम कैचर, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ क्लिप आर्ट पे, एड क्लिप आर्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ड्रीम कैचर है, कोई सा भी ड्रीम कैचर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरा आ गया। अब ड्रीम कैचर को मैंने बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे साइड में कर दिया। अब ये हो गया मेरा। उसके बाद मुझे कैलेंडर डालना है, कैलेंडर बाद में डालेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे फोटो डाल मतलब फोटो डालने के लिए फ्रेम डालेंगे। तो मैं शेप में जाऊंगा, एड शेप में जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एड शेप में कोई सी भी शेप ले लेता हूँ जो भी मुझे सही लग रही है। तो ये वाली मैंने ले ली शेप, डबल क्लिक कर दिया है। डबल क्लिक करने के बाद मेरी शेप आ गई है, उस शेप को मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर से मैं जाऊंगा एड शेप पे, सेम शेप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक किया मैंने, मेरी शेप आ रही है और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दी। तो ऐसे ही करके आपको अपनी शेप को एड करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से मैं एड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेम शेप ही ले रहा हूँ, शेप को बढ़ाना घटाना मैं कर सकता हूँ, साइज वगैरह देख सकते हैं, साइज बढ़ाना घटाना कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये मैंने ऐसे कर दिया। मैं फिर से जा रहा हूँ और मैंने फिर से सेम शेप पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा लिया, ये मैंने इतना कर दिया, जस्ट लाइक इतना कर दिया। और इतना करने के बाद ये वाला जो मेरा फ्रेम था वो मेरा यहाँ पर है, ये मेरा फ्रेम ऐसा था, ये फ्रेम मैंने ऐसे कर दिया, ये ऑलरेडी सेट है। मुझे बॉर्डर डालना है, मैंने फ्रेम पे क्लिक करके रखा, शेडो एंड बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे वो, और सीधा क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दो आप, तो आपके सारी फोटो में मतलब कि जितने भी फ्रेम है सबके ऊपर आप अपना बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मेरा मैसेज आ रहा है, ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने ये चारों फोटो डाली, चारों फोटो में मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये मैं थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अब पहले मैं इसमें फोटो डाल देता हूँ, सिंगल फोटो डालते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा, सिंगल फोटो वाले पे मैंने क्लिक किया, जो भी मुझे फोटो डालनी है उसमें डबल क्लिक कर देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो मेरी फोटो आएगी और फ्रेम में जाकर सेट हो जा रही है। ये फोटो मैंने सेट कर दी, ऐसे करके यहाँ पे मैं तीन फोटो को जल्दी जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोटोज को सेट कर लिया है, ठीक है, फोटो भी ओके है, कलर करेक्शन वगैरह मुझे अगर करना है तो मैं प्लस पे क्लिक करके कलर करेक्शन कर लूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे फोटो सेट होगी, यहाँ पे ऊपर मुझे कैलेंडर डालना है, तो मैंने क्या किया, ऐड कैलेंडर पे क्लिक कर दिया और जो भी डालना है मुझे, जस्ट लाइक अप्रैल डालना है तो अप्रैल पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरा अप्रैल आ जाएगा। और आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ऐसे करके, और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और डबल क्लिक कर दिया। और हाईलाइट अगर मुझे करना है तो हार्ट मैं यूज कर लूंगा, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं अभी नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ मुझे क्लिप आर्ट सेट करना है, तो क्लिप आर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐड क्लिप आर्ट, और कोई सा भी जो मुझे सही लग रहा है क्लिप आर्ट वो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। तो जस्ट लाइक मैंने एक क्लिप आर्ट पर डबल क्लिक किया, ये मेरा क्लिप आर्ट आ गया, इसको मैंने कंट्रोल टी करके बढ़ा लिया और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने। इस वाले फ्रेम को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो दूसरा फ्रेम था मैं उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इस वाले फ्रेम को, ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे रहने दे। ये हो गया। अब मेरा जो कैलेंडर है, कैलेंडर में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ जो रिसाइज का बटन था मैंने इस पर क्लिक कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता, ये मैंने इसको इतना बढ़ा लिया ऐसे रख दिया। अब मैं इसमें बैकग्राउंड डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो बीच का जो एरिया है मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को ऐड करूंगा। तो ये आपको बन जाएगा कस्टमाइज कॉलेज। आपको बैकग्राउंड ऐड करना होगा यहाँ पे, पहले तो आप ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक कर लो, कोई सोवर सा एक सिंगल कलर आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है करना चाहिए। तो मैं आपके लिए ब्लैक करके दिखाया था, लेकिन ब्लैक में आपका जो कैलेंडर है वो शो नहीं करेगा, तो फिर आपको कैलेंडर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो लाइट कलर यूज करना हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने एक डबल क्लिक किया है बैकग्राउंड के ऊपर, मेरा बैकग्राउंड आ रहा है ये वाला, और वहां पे जाके सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा सेट हो गया है, लेकिन ब्लर आ रहा है, तो मुझे ब्लर नहीं रखना, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा बिल्कुल ऐसा आ गया। अगर कैरिकेचर चेंज करना चाहते हैं तो कैरिकेचर पे क्लिक करके आप डिलीट कर देंगे और फिर से एड क्लिप आर्ट पे जाके अपना जो दूसरा कैरिकेचर डालना है या फिर कोई दूसरा ही कुछ क्लिप आर्ट डालना है तो वो डाल सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने ये वाला डाल लिया है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे ये मैं डाल लिया और इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे करके बढ़ा लिया, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट अपने पार्टी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपना टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लिया है। अब मैं अपने उस एरिया को मैं जूम करता हूँ जहाँ पे मुझे टेक्स्ट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इतना एरिया में ले लेता हूँ ऐसे करके, बॉक्स कर लिया मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने से आपका टेक्स्ट यहाँ पे ऐसा आ गया। आप अपने टेक्स्ट को ऐसे करके बढ़ा सकते हो, ये मैं इतना बढ़ा लिया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये इतना बढ़ा लिया, ये आपको टेक्स्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप अपने टेक्स्ट का अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं जस्ट लाइक आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कस्टमाइज कोलाज अगर बनाने हैं तो उसको कैसे बनाओगे आप। सिंपल है, सारे फीचर मैंने आपको दिए हुए तो आप बना सकते हो। तो ये आपने कर दिया, तो अब अपने हिसाब से इसको रेडी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कैलेंडर में अगर बैकग्राउंड डालना था तो वो भी आप डाल सकते हो। तो आपको पता है कि ऐड कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पे चल जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो मुझे समझाएंगे जो इतनी, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो अगर आपको देखना चाहते हैं 3D में, तो आप क्लिक करोगे जस्ट और आपका जो 3D में शो करेगा वो बहुत ही प्यारा आपको शो करेगा। आपका कस्टमर 100% वो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देके जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 3D डिजाइन है वो रेडी है, आप देख सकते हो। इस टाइप का अगर आप 3D अपने कस्टमर को दिखाओगे तो 100% वो आपको ऑर्डर देगा ही देगा, इवन वो काफी सारे कस्टमर को और लेके आएगा। चलो इसको बंद करते हैं। तो बेसिकली गाइस यही सॉफ्टवेयर है, अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, सारे कंटेंट इसके अंदर दिए हैं और आने वाले टाइम पे इसमें काफी सारे अमेजिंग कोलाज आपको और मिलने वाले हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास काफी सारे कोलाज मैंने यहाँ पे दिए हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को ये भी नहीं दिखाया करते हुए, मतलब बहुत सारी PSD मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है क्योंकि एक वीडियो के अंदर नहीं दिखा
सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मुझे समझाना था सारे बटन, तो एक एक करके मैंने आपको बताया। तो इसमें पीएचडी अभी तो बहुत सारी है। अब इस टाइप के पीएचडी में अगर आप डिजाइन बनाओगे तो आप समझ रहे हो कि कितना प्यारा डिजाइन आएगा, वो कितना अच्छा आपको दिखाई देगा, वो भी 3D में अगर आप देखना चाहोगे। तो डिजाइन अपने पास बहुत है, आप टेंशन नहीं लोगे, डिजाइन के लिए डिजाइन आपको मिलते ही रहेंगे और सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि कोलाज के लिए अपने को जरूरत पड़ते हैं। तो सारे फीचर के साथ आप काम कर सकते हैं। अमेजिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपका कोलाज से रिलेटेड वर्क है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कैसे आप सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे आप ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे बाय करना है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा, उस व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो सिर्फ 1200 रुपए है। बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आप सभी के पास होना चाहिए। अगर आपको स्टूडियो है, आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं, इंडोर फोटोग्राफी करते हैं, अगर फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना ही चाहिए। अपने पूरे इंडिया में एक पहला लौटा सॉफ्टवेयर जो कि कोलाज से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। जो भी कोलाज के लिए सॉफ्टवेयर आए थे मार्केट में, वो सारे के सारे इंडिया के बाहर के सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जो भी ऑप्शन थे वो इंडिया के अकॉर्डिंगली नहीं थे। तो ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया ये इंडिया और बाहर, मतलब इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर जो लोग हैं जैसे वो डिजाइन पसंद करते हैं उसी टाइप के मैंने यहाँ पे डिजाइन डाले हुए हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, एक अच्छा से कमेंट जरूर करें और सॉफ्टवेयर को आप जरूर बाय करें क्योंकि आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आप लोगों को एक नए कंटेंट के साथ, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े जरूर रहें। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे।